good morning my dear students again we are going to continue our class and uh, in last class we have complete till question number 3 now we are going to start i mean we are going to learn question number 4 here is given look at the pictures below and write as given देखिए जैसा आपको सबसे पहले पिक्चर्स देखने हैं और सबसे पहले पिक्चर में जैसा दिया है उसी के अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट जो ब्लैंक लाइन दिए हुए हैं उस पर लिखना है उसको समझाने से पहले मैं ये बता रही हूं कि जब कभी भी हमको किसी दो चीजों को एक साथ जोड़ा जाता है जैसे सोहन का कार तो हम उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे सोहन का कार दैट मीन्स सोहन कार ऐसे ही आपको नेक्स्ट में जोड़ जोड़ते जाना है और लिखते जाना है सी सोहन नियर ही अब इसको हम कैसे लिखेंगे सोहन कार दिस इज ऑलरेडी गिवन इन द नेक्स्ट ब्रैकेट यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड राइट हर इज गिवेन अमीना विथ हर डॉल दैट मीन्स अमिनाज डॉल नेक्स्ट रानी विथ हर पेंसिल रानी अपने पेंसिल के साथ है तो उसको कैसे बोलेंगे रानीज पेंसिल द नेक्स्ट अजीत विथ हीज स्कूल बैग सोचो कैसे बोलेंगे इसको अजीत बैग ऐसा लग रहा है ना लास्ट में रीता विथ हर कंप्यूटर अब इसको हम कैसे बोलेंगे रीता विथ हर कंप्यूटर तो नहीं बोल सकते बहुत लंबा होगा इसलिए रीतास कंप्यूटर पीटर नियर हीज हाउस अब इसको कैसे बोलेंगे आप सब बताइए उस वेरी गुड कम टू द नेक्स्ट दैट इज साउंड ऑफ लेटर ओ जैसे सी ओ टी कॉट पी ओ टी पॉट बी ओ एक्स बॉक्स एफ ओ एक्स फॉक्स डी ओ जी डॉग एल ओ जी लॉग सी ओ सी के कॉक एल ओ सी के लॉक इन सब में ना ओ का साउंड आ रहा है राइट जी हाँ सब में ओ का साउंड आ रहा है ऐसे ही आपको ओ के साउंड के हेल्प से कुछ नए वर्ड्स बनाने हैं उसमें आप किसी का भी हेल्प ले सकते हो जैसे सी ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है आ, आपके बुक में ऑलरेडी ब्लैंक uh, दिया हुआ है उसमें आपको सिर्फ अल्फावेट्स फिल करने हैं जैसे ओ जी ओ जी ओ जी लिखा है ना उसमें आपको फिल कर देना एफ ओ जी फॉग हो जाएगा एल ओ जी लॉग हो जाएगा एच ओ जी ऑग हो जाएगा ऐसे ही आप इसी प्रकार से अल्फ़ाबेट्स फिल करके उसको एक बार रीड कीजिए और उसको जानिए कि उसका मतलब क्या होता है और इसमें कंप्लीट करके आप वो चीज़ सीख सकते हैं